बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ लिए हैं मैंने चने, इनको मैंने 4 से 5 घंटे भिगो के मैंने इनको रख दिया था। अब मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश किया है। तो वॉश करने के बाद अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ रहें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, यह आप लोगों की तरफ से मोहब्बत होती है। मैं यहाँ अब ये चने हमारे 500 ग्राम के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब डालूँगी प्याज 3 से 4 अदद थे, जिनको मैंने मोटा मोटा कटिंग कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं अब लहसुन डालूँगी, लहसुन की कलियाँ हैं ये 2 अदद। एक बड़े साइज़ का टमाटर था, इसको मैं अब इसमें शामिल कर दूंगी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर को इस तरह हरी मिर्ची और अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया था, ये इसको यहाँ शामिल करेंगे। यहाँ अब मैं एक दालचीनी का पीस है, ये लाजमी डाला करें चनों में। सेम ऐसे तैयार होंगे चने के जैसे पाए हैं। यहाँ लिया है मैंने नमक चनों के हिसाब से, सूख मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है। इन तमाम अज़ाओं को इसमें शामिल कर देंगे। इसमें पानी डालूंगी इतना कि चने डिप हो जाएं और चने हमारे गल जाएं। इतना पानी डालूंगी। आप हमारी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह चने बहुत ही अच्छे और मज़ेदार और खुशबूदार बनेंगे, बहुत ही सॉफ्ट तैयार होंगे। यहाँ मैंने आधे घंटे के लिए प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है। आधे घंटे के लिए हम इसको वेट लगाएंगे, इंशाल्लाह मिलते हैं आधे घंटे के बाद। चने यहाँ हमारे कुक हो चुके हैं। आधे घंटे के लिए मैंने इस प्रेशर कुकर लगाया था, आधे घंटे के बाद मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है कढ़ाई के अंदर, ताकि खुले बर्तन में चने अच्छे बने। ये देखें इसका छिलका, टमाटर मैंने छिलके समेत ही डाल दिया था। अब मैं इसका छिलका, ये देखें कितनी आसानी के साथ उतर गया है। इसको अब हम रिमूव कर लेंगे, ये दूसरा पार्ट है। अब इसके छिलके को भी मैं इसी तरह से रिमूव कर लूँगी, बहुत ही आसानी से इसके छिलके उतर जाएंगे। ये देखें टमाटर लाजमी डाला करें, कुछ लोग टमाटर नहीं डालते चने के अंदर। टमाटर डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। टमाटर को लाजमी डालें अपने चनों के अंदर। मेरी ये वाली रेसिपी फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अब इसको हम 10 से 15 मिनट मज़ीद कुक करेंगे, ताकि तमाम मसाले एक दूसरे में यकजान हो जाएं। प्याज और लहसुन ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल गल चुके हैं। चने जब हमारे तैयार होंगे तो ऐसे तैयार होंगे जैसे क्रीम के, जैसे क्रीम और मक्खन के जैसे तैयार होंगे इंशाल्लाह। चने की रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे अपील है, उनसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, यह आप लोगों की तरफ से मोहब्बत होती है। बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं इसमें शामिल करूंगी घी। घी आप जितना चाहे अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। एक स्पून में भर के और इसमें शामिल करूंगी। आप अपने खानों को आसान और सादा बनाएं। घर में जो मसाले मौजूद थे मैं उन्हीं से ये बना रही हूँ। अब मैं इसके अंदर डालूँगी सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के लिया है मैंने, काली मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच और गोल साबुत सूख मिर्च। इन तमाम अज़ा को मैं अब इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह। इसको हम मिक्स करेंगे। चनों की माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। जब इस स्टेज पर चने आते हैं तो मैं खुद भी पसंद करती हूँ इनको खाना।
भुने हुए चने और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद हम ग्रेवी उनको अच्छी तरह से भूनने के बाद ग्रेवी अपनी पसंद से बनाएंगे, जितनी आप चाहें, जितनी मैं चाहूँगी। इंशाल्लाह हमारी रेसिपी को एंड तक लाजमी देखा करें। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी काली चनों की कैसी लगी। तकरीबन यहाँ हमारे चने तैयार ही होने वाले हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 से 3 अदर कटी हुई मिर्चें, जिनको लंबे साइज़ में मैंने कटिंग कर लिया था। देखिए माशाल्लाह, यकीन जाने इनकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, पूरे घर में फैली हुई है। चने की ये रेसिपी को आप चावलों के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, मीठी रोटी के साथ खा सकते हैं। इंजॉय कीजिएगा। इसको मैं 5 मिनट और कुक करूँगी। चने हमारे भुन चुके हैं, इस स्टेज पर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। आप भी जितना चाहें पानी शामिल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये देखें, मैं यहाँ पर 1/2 गिलास पानी शामिल करूँगी। पानी मुझे इतना ही चाहिए था। अब इसे हम 10 मिनट के लिए और मज़ीद कुक। चने हमारे पककर तैयार हैं। यहाँ मैंने अब चूल्हे को ऑफ कर दिया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखें हमारी फाइनली लुक। माशाल्लाह चने बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार खुशबूदार बने हैं। हमारी ये वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। इसे डिश आउट करें, बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, खुश हो के खाएं, नान रोटी चावलों के साथ सबके साथ खाएं। इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद लेकर आएंगे नई वीडियो, नई रेसिपी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें।